हेलो एवरीवन इन आर लास्ट वीडियो हमने डिस्कस किए थे फ्लावर के पार्ट्स तो फ्लावर के हमने जो बहुत सारे पार्ट्स पढ़े थे उन फ्लावर के पार्ट्स के अंदर हमने पढ़ा था एक पोलिंग ग्रेन के बारे में और कुछ फीमेल गमेट दैट वाज ओव्यूल राइट मेल गमेट और फीमेल गमेट्स के बारे में पढ़ा था बट हमने एक फर्टिलाइजेशन में ये पढ़ा है जहाँ फर्टिलाइजेशन की बात होती है वहाँ पर क्या होता है मेल और फीमेल गमेट का फ्यूजन होता है तो जो प्लांट के अंदर जो मेल गमेट है दैट इज पोलिंग ग्रेन वो फीमेल गर्मिट मतलब ओव्यूल तक कैसे पहुंचेगा वो वहां तक चल के तो जा नहीं सकता बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं तो वो वहां तक जाएगा कैसे सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोर शाला तो आज हम यही डिस्कस करने वाले हैं कि जो पोलिंग ग्रेन है वो ओव्यूल तक कैसे पहुंचेंगे बिकॉज अगर वो वहां तक नहीं पहुंचेंगे तो प्लांट्स का फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं जब प्लांट के अंदर मेल गमेट और फीमेल गमेट का फ्यूजन नहीं होगा फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो फिर फ्रूट्स भी नहीं बनेंगे और जब फ्रूट्स नहीं बनेंगे तो हमें वो नहीं मिलेंगे और सीड्स भी नहीं बनेंगे जिससे कि हम नए प्लांट को ग्रो करवा सके तो ये कैसे पॉसिबल है मतलब फ्लावर के इस पोलिंग ग्रेन को कैसे पता है कहाँ से उठा के कहाँ जाना है मुझे और उस ओव्यूल तक कैसे उसको पहुंचना है ये उनको कैसे पता है और जो ये पोलिंग ग्रेन है अगर ओव्यूल तक पहुंच जाएंगे तो फर्टिलाइजेशन होगा और हमें फ्रूट्स मिलेंगे बट अगर वो ओव्यूल तक नहीं पहुंच पाए तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और क्या वो अपने ही सेम फ्लावर के पोलिंग जो है वो सेम फ्लावर के ओव्यूल तक जा सकते हैं या जो पोलिंग ग्रेन है इस फ्लावर का पोलिंग ग्रेन किसी और फ्लावर तक जा सकता है तो क्या ये पॉसिबल है कि वो यहां से कहीं और चला जाएगा या वो अपने ही फ्लावर्स के अंदर रहेंगे और वो जाएंगे कैसे तो चलिए हम देखते हैं इट इज अ फ्लावर ये एक फ्लावर है और ये हमारा सेकेंड फ्लावर हो गया इसका पोलिंग ग्रेन जो है वो क्या कर रहा है पोलिंग ग्रेन यहाँ से उड़ के जा रहा है उस ओव्यूल तक मतलब इस फ्लावर का ये पोलिंग पोलिंग्रीन जो एंथर के अंदर प्रेजेंट है एंथर अपनी मुट्ठी में जो पोलिंग को दबा के रखता है वो पोलिंग पोलेंग्रीन क्या कर रहा है वो जा रहा है ओव्यूल तक मतलब यहाँ जो सेंटर के अंदर जो ये पूरा जो फूला हुआ पार्ट है इसके अंदर है ओव्यूल इसके अंदर प्रेजेंट है ओव्यूल्स तो ये जो ओव्यूल के अंदर तक जा रहा है ओव्यूल तक जा रहा है ओव्यूल तक पहुंच पा रहा है तो ये कैसे जा रहा है तो बीच के अंदर देखो एक हमारा एक नया भाई साहब नजर आ रहा है हमें एक पोलिनेटर के नाम से तो ये क्या है ये एक तरह की मधुमक्खी है हमारी या कोई भी फ्लाइज हो सकती है कोई भी इंसेक्ट हो सकता है इसकी जगह पर तो ये क्या है ये एक्ट करती है एज एन पोलिनेटर एज ए पोलिनेटर ये वर्क करती है मतलब ये क्या कर रही है यहाँ से पोलिंग उठाएगी और वहां ले जाके ओव्यूल तक डाल देगी तो क्या हाँ उसको पता है कि अच्छा यहाँ से मुझे पोलिंग को उठाना है मुझे वहां तक जाना है ओव्यूल तक राइट right? इसको तो नहीं पता है क्या इसको ये पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं मतलब वो एक जगह से दूसरी जगह पर खुद चल के नहीं जा सकते

इंसेक्ट्स के पंखों पे या उनके पैरों में या उनकी बॉडी पर कहीं पर भी चिपक जाते हैं जब ये वहां चिपक गए और सपोज ये जो पॉलीनेटर है ये जाएगा किसी और फ्लावर के ऊपर ये जाएगा इस फ्लावर पे और इस फ्लावर के पास जाके फिर ये बैठेगा तो हो सकता है कि इसका जो पोलिंग ग्रेन है वो इसके स्टिग्मा पे चला जाए और ये भी पॉसिबल है कि इसका ये जो पोलिंग ग्रेन है जो यहाँ बीच में एक जो बड़ा सा जो लीडर खड़ा था हमारा जो लीडर था जो फीमेल पार्ट था उस लीडर के स्टिग्मा तक ये जो पार्ट है टॉप वाला जो पार्ट है जो स्टिग्मा है उस स्टिग्मा तक हो सकता है कि इसी का पोलिंग में गिर पॉसिबल कि जब कोई ये चिपकेंगे तो हो सकता है कि अपने फर या से उड़ते टाइम पे वही पोलिंग ग्रेन जो है वो इसी के स्टिग्मा में चला जाए या फिर ये हो सकता है कि इससे चिपका हुआ ही रह जाए और चिपका हुआ रहेगा तो जब ये पोलिनेटर किसी नेक्स्ट फ्लावर तक जाएगा नेक्स्ट फ्लावर पे जाएगा तो ये वहां पर हो सकता है कि ये जो ग्रेन था ये उस फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाए तो ये पॉसिबल है मतलब प्लांट्स तो नॉन मोटाइल है वो तो अपनी जगह से दूसरी जगह पे नहीं जा सकते वो अपनी जगह चेंज नहीं कर सकते ना उनको चलना आता है ना वो चल सकते हैं बट उनके जो ग्रेन वो ओव्यूल तक तो पहुंचने के लिए फिर किसका यूज करेंगे वो इन मीडियम्स का यूज करेंगे ज्यादा पॉलिनेटर्स ये जो इंसेक्ट्स होते हैं ये पॉलीनेटर्स होते हैं तो फ्लावर्स क्या करते हैं फ्लावर का जो पीटल वाला पार्ट है जो फ्लावर की पंखुड़ियां होती है वो क्या करती है इन इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ और ये इंसेक्ट उसके पास जाते हैं नेक्टर सब करने के लिए तो ये पोलिंग पोलिंग्रीन जो होते हैं वो वहां पर चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद क्या करते हैं चिपकने के बाद ये जिस भी फ्लावर पे ये बैठते हैं उसके स्टिग्मा पे चले जाते हैं क्योंकि ये वहां पर चलेंगे जाएंगे तो उनके पैर भी हिलेंगे इनके पंख भी फड़फड़ाएंगे तो जैसे ही फड़फड़ाएंगे तो हो सकता है पोलिंग ग्रेन वहां पर गिर जाएंगे और जब ये पोलिंग ग्रेन वहां गिर जाएंगे तो ये स्टिग्मा के अंदर जाके कहाँ चले जाएंगे ये चले जाएंगे ओव्यूल तक तो ग्रेन मिल गया अपने फ्रेंड से दैट इज ओव्यूल उसके बाद आराम से फर्टिलाइजेशन हो जाएगा और हमें फ्रूट्स भी मिल जाएंगे बट अगर ये प्रोसेस नहीं होता है तो फिर क्या होगा फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो हमारे फ्रूट्स नहीं बनेंगे दैट मीन ये जो प्रोसेस है पोलिंग ग्रेन का वहां स्टिग्मा तक जाना ओव्यूल तक पहुंचना इट इज सो पहुंचनाटेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है ये अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो फ्रूट्स नहीं बनेंगे अगर ये प्रोसेस नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा और हम पढ़ी फर्टिलाइजेशन रहे हैं हम क्या पढ़ रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर वहां से पोलिंग नहीं जा पाए ओव्यूल तक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा ही नहीं तो इस प्रोसेस को करने के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए दिस प्रोसेस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट अब इस प्रोसेस को हम बोलते क्या है दैट इज पॉलिनेशन वॉट इज इट कॉल्ड इट इज पॉलिनेशन वॉट इज पॉलिनेशन पॉलिनेशन इज द प्रोसेस

ट्रांसफर करना है स्टिग्मा तक किसी फ्लावर के किसी भी फ्लावर के स्टिग्मा तक को ले जाना है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं कहाँ पर स्टिग्मा तक उसका ट्रांसफर किया जाता है सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड पॉलिनेशन इट इज ऑफ टू टाइप्स ये जो है ये टू टाइप्स का होता है फर्स्ट वन इज सेल्फ पॉलीनेशन एंड सेकेंड वन इज क्रॉस पॉलिनेशन

क्योंकि संडे की छुट्टी है तो ऑब्वियस ऑब्वियसली बात है हम मूवी देखेंगे हमारी फैमिली के साथ करेंगे, तो सेम चीज अगर पोलिंग पोलिंग सोच लेता है तो पोलंग्रेन ने सोचा वैसे वो नहीं सोचते हैं वी आर जस्ट इमेजिनिंग कि अगर पोलिंग ग्रेन सोचने लगे तो वो सोचेगा कि अच्छा ठीक है चलो आज मेरा संडे है तो मैं आज नहीं जाऊंगा बाहर जब मैं बाहर नहीं जाऊंगा तो मैं क्या कर सकता हूं? सेम फ्लावर का स्टिग्मा भी तो है हमारे पास तो उस स्टिग्मा तक वो जा सकता है

अगर संडे की छुट्टी और हमारा मूड है कि नहीं आज तो हम रेस्टोरेंट में जाएंगे हमारे फ्रेंड्स के साथ हम मस्ती करने वाले हैं और हम जाने वाले बाहर आज घूमने के लिए दैट विल बी क्रॉस नेशन कैसे होगा तो जो पोलिंग ग्रेन होगा उसका भी मूड है घूमने का जैसे आपका मूड होता है घूमने का संडे को वैसे उसका भी मूड है घूमने का और वो ये चाह रहा है कि मैं अपने फ्रेंड से मिल आ जाता हूँ दैट इज ओव्यूल उसका फ्रेंड कौन है उसका फ्रेंड है ओव्यूल और उसको किससे मिलना है ओव्यूल से मिलना है मतलब पोलिंग ग्रेन है ओव्यूल से मिलना है तो आज उसने क्या बोला अपने पॉलिनेटर को मतलब अपने इंसेक्ट को उसने बोला कि आज मुझे यहाँ से लेके कहा छोड़ दो मेरे फ्रेंड के घर तक छोड़ दो मेरे फ्रेंड तक मुझे छोड़ दो मतलब मुझे उस फ्लावर के ओव्यूल तक छोड़ दो तो उसका पॉलिनेटर क्या करेगा वो उसके पास जाएगा वो उसको लेगा उसकी बॉडी पे चिपक जाएगा उसकी बॉडी पे पता वो पोलिंग रेंज है वो बैठ जाएगा वहां से वो ले जाएगा उसको दूसरे फ्लावर दूर का प्लांट है उसके फ्लावर तक ले जाएगा और उसके ऊपर जो स्टिग्मा है वहां पर उसको वो डाल देगा सो देट की वो अपने ओव्यूल से मिल जाएगा राइट right. तो अब ये जो प्रोसेस था ये क्या हो सकता है ये क्रॉस हो सकता है तो दोनों में देखो डिफरेंस क्या था सेल्फ डिफरेंशन में क्या हुआ जो ग्रेन था वो अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे गया या वो अपने ही प्लांट के स्टिग्मा पे गया अपने ही प्लांट की किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गया और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या हुआ एक प्लांट यहाँ है जिसके ऊपर है पोलिंग ग्रेन और दूसरा प्लांट कहीं और है उसकी किसी फ्लावर पे है स्टिग्मा यहाँ से गया वहां पे मतलब प्लांट उसने चेंज कर लिया

राइट सेम प्लांट या फिर सेम फ्लावर मतलब अगर हमारे पास में कोई फ्लावर है जिसके अंदर है ये वाला ये है आपका फीमेल पार्ट और इस फ्लावर के अंदर ये आपके आ जाते हैं मेल पार्ट ये आपके बहुत सारे यहाँ पर है मेल पार्ट ये लोब लाइक स्ट्रक्चर दैट इज एंथर फिर ये आपका और आ गया एक मेल पार्ट यहाँ पर भी एक आपके आ गया मेल पार्ट ये बहुत सारे मेल पार्ट है किसी फ्लावर का ये है फीमेल पार्ट और ये आपके है मेल पार्ट और इस मेल पार्ट के अंदर जो ये एंथर है इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है इस एंथर के अंदर प्रेजेंट है ग्रेन्स इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट है तो यहाँ पर है ग्रेन्स अब ये जो ग्रेन्स है ये क्या कर रहे हैं ये ग्रेन्स क्या है आज इनकी छुट्टी है तो आज इनके बाहर जाने का कहीं मूड नहीं है तो ये क्या करेंगे ये सेल्फ पॉलिनेशन करेंगे मतलब यहाँ जो बहुत सारे ओव्यूल्स होंगे ये उनसे मिलने के लिए ही चले जाएंगे ये बाहर कहीं नहीं जाएंगे ये बाहर घूमने नहीं जाएंगे ये सिर्फ यहाँ जो ओव्यूल्स है सिर्फ उनसे मिलने जाएंगे और कैसे जाएंगे तो यहाँ सपोज कोई भी अगर एक इंसेक्ट आता है तो ये पोलिंग ग्रेन्स क्या होंगे यहाँ जो पोलिंग ग्रेन्स है ये उसके ऊपर चिपक जाएंगे उनके पंखों पे या उनके पैरों पे कहीं चिपक जाएंगे और वहां से ये चले जाएंगे इसी स्टिग्मा के अंदर मतलब सेम फ्लावर है एक ही फ्लावर है उसी का एंथर है उसी के पोलिंग ग्रेन्स है और उसी के स्टिग्मा के ऊपर जा रहा है वो राइट और या तो ये भी हो सकता है कि प्लांट सेम है सपोज ये आपका प्लांट है मान लीजिए कि प्लांट है और इसके ऊपर यहाँ पर एक है फ्लावर यहाँ पर है ये दूसरा फ्लावर मतलब ये दोनों क्या है फ्लावर्स है ये है फ्लावर वन ये है फ्लावर टू अब क्या हुआ ये फ्लावर वन और फ्लावर टू है क्या हुआ यहाँ पर है पोलिंग ग्रेन इस वाले फ्लावर पे क्या है पोलिंग ग्रेन है तो इस वाले फ्लावर के पोलिंग ग्रेन ने सोचा कि मैं जाके अपने उस दूसरे वाले फ्लावर से मिलके आ जाता हूँ प्लांट सेम है प्लांट सेम है मतलब हो सकता है, है, बस आप सेम घर में हो, बट है तो वैसे ही यहाँ पे जो है, grains, grains, यहाँ के क्या करेंगे? ये जाएंगे इस फ्लावर के स्टिग्मा तक और लेके कौन जाएगा इंसेक्ट क्योंकि ये, ये खुद नहीं जाएंगे ये खुद नहीं जा सकते चल के इनके पैर नहीं है इसलिए क्या होगा ये जो पोलिंग ये कहा चले गए इसके स्टिग्मा तक चले गए प्लांट सेम है फ्लावर भी सेम यहाँ पे देखो इसमें क्या था फ्लावर सेम था इसमें भी क्या है प्लांट सेम है मतलब सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ जो पोलिंग पोलेंग्रेन है वो बाहर नहीं जा रहे हैं वो अपना प्लांट चेंज नहीं कर रहे हैं वो सेम प्लांट के या फिर सेम फ्लावर के ऊपर ही अपना पॉलिनेशन कर रहे हैं मतलब पोलिंग पोलेंग्रेन्स क्या करेंगे अपने ही फ्लावर के अंदर वो है या तो वो उसी के स्टिग्मा पे चले जाएंगे या हो सकता है कि अपने ही प्लांट के जिस प्लांट के ऊपर वो फ्लावर लगा है जिसका पोलिंग ग्रेन हमने लिया है वो अपने ही किसी दूसरे फ्लावर तक चले जाएगा उसके स्टिग्मा तक जाएगा बट प्लांट चेंज नहीं होगा राइट प्लांट चेंज बिल्कुल नहीं होगा तो वहां पे क्या होता है सेल्फ पॉलिनेशन होता है इफ इट इज इन द सेम फ्लावर इट इज कॉल्ड ऑटोगेमी जब हमने टू चीजें दो चीजें हमने पढ़ी है दो पॉइंट हमने देखे हैं फर्स्ट वन इज अगर फ्लावर सेम हो गया पॉसिबिलिटीज है सेकेंड वन इज प्लांट सेम है आपका फ्लावर चेंज है बट प्लांट सेम है राइट right? तो so, जहां पर आपका फ्लावर सेम होता है दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी जहां फ्लावर आपका सेम है दैट सेमस इट इज ऑटोगेमी दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ऑटोगेमी और ये किसमें होता है ये पी में होता है मतलब ये मटर वाले पौधों के अंदर होता है जहां कर रहे हैं सेल्फ पॉलिनेशन होता है सो इट इज अ फ्लावर ये आपका एक फ्लावर है हम इसको एक पिक्चर से देख लेते हैं सो so देट उसके बाद आप इसको कभी नहीं भूलेंगे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस और बहुत ईजी प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इजी प्रोसेस है ये right? राइट

ये वो है इसके ऊपर यहाँ पर क्या होगा टॉप मोस्ट पार्ट इसका क्या होगा स्टिग्मा होगा अब क्या होगा यहाँ से जो है, यह पोलिंग है है ये 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 पोलिंग पोलिंग क्या करेंगे जो है, यह यहां से ट्रांसफर हो जाएंगे और जाएंगे और इस फ्लावर के स्टिग्मा पे राइट ये पोलिंग ग्रेन इसी फ्लावर का ये जो स्टिग्मा है इसी के ऊपर ट्रांसफर हो जाएंगे विद द हेल्प ऑफ इंसेक्ट क्योंकि ये चल नहीं सकते तो यहां से अगर ये सेम फ्लावर पे जाते हैं दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन और ये प्रोसेस क्या है ये है ऑटोगेमी इट इज ऑटोगेमी नाउ पोलन कम्स लूज फ्रॉम स्टेमन पोलिस जो होते हैं वो स्टेमन से निकल जाएंगे स्टेमन इज द मेल पार्ट जो यहाँ पर एक स्टेमन होता है ना इस तरह के जो ये uh, जो ये पिस्टल के पास हमने देखा था कि भाई ये अगर हमारा है पिस्टल जो फीमेल पार्ट है और इसके पास ये जो हमारे ये है ये क्या है स्टेमन जो कि मेल पार्ट है जिसके ऊपर यहाँ पे एंथर और पोलिंग ग्रेन्स है तो इसके ऊपर स्टेमन के ऊपर से क्या होगा जो पोलिंग ग्रेन्स है वो लूज हो जाएंगे पोलिंग ग्रेन्स वहां से निकल जाएंगे और पोलिंग कहाँ चले जाएंगे अपने ही फ्लावर के स्टिग्मा पे चले जाएंगे दिस प्रोसेस इज इज कॉल्ड सेल्फ 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 पोलिनेशन 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 सो आई होप आपको क्लियर है जब पोलिंग होते हैं वो अपने ही सेम फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं या फिर सेम प्लांट के किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड द सेल्फ पोलिनेशन नेक्स्ट वन इज क्रॉस पोलिनेशन वॉट इज क्रॉस पोलिनेशन जो हमने अभी बताया था जब हम रेस्टोरेंट में घूमने का सोच रहे थे जब हम रेस्टोरेंट में घूमने का प्लान कर रहे थे तो जो पोलिंग ग्रेन है वो भी क्या करेंगे अपने दूर किसी रहने वाले रिश्तेदार से या अपने किसी फ्रेंड से मिलना जाएंगे, that is ovule, मिलने जाएंगे उनको क्या करना पड़ेगा तो उनको जाना पड़ेगा दूर मतलब प्लांट चेंज करना पड़ेगा अगर सपोज ये एक प्लांट है आपका और इसके ऊपर ये एक फ्लावर है और ये सेकेंड प्लांट है आपका ये एक फ्लावर हो गया इसका पोलन ग्रेन जाएगा इसके स्टिग्मा पे तो प्लांट चेंज हुआ इट मीन इट इज क्रॉस पोलिनेशन व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन रोज है तो वो रोज पी जाएगा अगर आपका मैंगो है तो वो मैंगो पी जाएगा अगर मैंगो का पॉलिंग ग्रेन मैंगो प्लांट का जो पॉलिंग्रेन है मैंगो ट्री का जो पॉलिंग्रेन है या किसी और ट्री पे चला जाता है तो उसका फर्टिलाइजेशन बिल्कुल नहीं होगा क्यों नहीं होगा भाई आप भी तो अपने ही खुद के जो सेल्फ आपके जो फ्रेंड्स होते हैं सिर्फ उन्हीं के साथ कंफर्टेबल होते हो ना राइट right? आप किसी और के फ्रेंड्स के साथ कंफर्टेबल नहीं हो सकते आपको अगर पार्टी प्लान करनी है तो आप कहाँ प्लान करोगे आप अपने खुद के जो फ्रेंड्स फ्रेंड सर्कल जो है आपका उसमें आप प्लान करेंगे बट आप किसी और के फ्रेंड के साथ में पार्टी करने बिल्कुल नहीं जा सकते तो पोलिंग से हम कैसे एक्सपेक्ट करेंगे कि भाई वो किसी और के ओव्यूल के साथ में फर्टिलाइजेशन करेगा इट्स नॉट पॉसिबल बट जो अगर पोलिंग फर्टिलाइजेशन करना है जो मेल गमिट से उनको जाना है वहां तक और अगर फर्टिलाइजेशन करना है इसका मतलब है जो प्लांट की स्पीशीज है वो सेम होनी चाहिए मतलब मैंगो ट्री का जो पोलिंग ग्रेन होगा वो मैंगो ट्री के ही स्टिग्मा पे जाना चाहिए तभी फर्टिलाइजेशन हो पाएगा अदरवाइज फर्टिलाइजेशन बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा चलिए नाउ इट इज अ ट्रांसफर ऑफ पोलिंग ग्रीन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ डिफरेंट प्लांट्स ऑफ द सेम स्पीशीज

दिस इज ए प्लाट वन प्लांट वन का ये फ्लावर है और ये प्लांट टू का कोई फ्लावर है राइट right? इमेजिन कर लो कि ये प्लांट वन का कोई फ्लावर है ये प्लांट टू का फ्लावर है अब क्या हुआ यहाँ से पोलिंग ग्रीन्स जो थे ये पोलिंग ग्रीन्स इस इंसेक्ट के आते ही क्या हुआ इंसेक्ट के ऊपर चढ़ गए क्योंकि उनको अपने फ्रेंड से मिलने जाना था फिर वो बाहर घूमने जाने वाले थे तो जो पोलिनेटर है ये जो इंसेक्ट है ये क्या हुआ जब यहाँ पे ये आया था इसके पास में तो ये क्या है पोलिंग ग्रीन्स अब ये पोलिंग ग्रीन्स क्या होंगे इसके ऊपर चिपक जाएंगे और जब ये इसके ऊपर चिपक जाएंगे तो जैसे ही ये इंसेक्ट किसी और फ्लावर पे जाके बैठेगा मतलब इसके फ्रेंड के फ्ला, फ्लावर पे जाके बैठेगा इसके फ्रेंड के घर पे जाके बैठेगा तो ये जो पोलन पोलेंग्र है ये स्टिग्मा पे आ जाएंगे और इस स्टिग्मा पे आने से क्या हुआ ये जो पोलन ग्रेन है ये अपने फ्रेंड से मिल जाएंगे राइट दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन की प्लांट वन का जो फ्लावर था वहां का पोलन ग्रेन प्लांट वन का जो फ्लावर है वहां का पोलन ग्रेन कहा जा रहा है प्लांट टू के फ्लावर के स्टिग्मा पे जा रहा है प्लांट वन का जो पोलिंग है प्लांट वन का जो ग्रेन है वो कहा जा रहा है प्लांट के, uh, के, के स्टिग्मा पे जा रहा है right? so so कि आपको क्रॉस पॉलिनेशन बहुत अच्छा समझ में आया होगा और सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन बोथ आर वेरी इजी बहुत ईजी प्रोसेस है जस्ट आपको इतना याद रखना है कि सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या हुआ फ्लावर शुड बी सेम प्लांट शुड भी सेम फ्लावर्स और प्लांट सेम हो सकते हैं बट प्लांट चेंज नहीं होगा पोलिंग जो है वो स्टिग्मा स्टिग्मा पे पे जाएगा जाएगा बट अपने ही फ्लावर के पे जाएगा, या अपने ही प्लांट के किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा बट किसी दूसरे प्लांट तक नहीं जाएगा एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या है तो इस प्लांट का पोलिंग पोलिंग्रेन दूसरे प्लांट के ओव्यूल से जाके मिलेगा उसके स्टिग्मा पे जाएगा दैट इज कॉल्ड क्रॉस पॉलिनेशन राइट नाउ अपनी जगह से दूसरी जगह पर नहीं जा सकते तो भी नहीं जा सकते जगह पर नहीं जा सकते हैं तो फिर ये जाएंगे कैसे जैसे हमने कहा था वहां पर क्या था एक मीडिएटर था एक भाई साहब जो थे वो घूम रहे थे इधर से उधर जो आए थे नेक्टर लेने के लिए बट पोलिंग ग्रेन ने उनको काम पे लगा दिया कौन थे वो वो थी एक मधुमक्खी या वो थे इंसेक्ट कोई भी एक इंसेक्ट हो सकता है

आपका विंड ले जा सकता है इंसेक्ट ले जा सकते हैं एंड बर्ड्स ले जा सकती है अब वाटर एंड कैसे ले जाएंगे एनिमल्स कैसे ले जाएंगे तो एनिमल्स भी तो प्लांट्स को खाते हैं एनिमल्स भी तो आते हैं प्लांट्स को खाने के लिए तो जब वो प्लांट्स को खाने आते हैं तो हो सकता है कि उनकी बॉडी पे कहीं ग्रेन चिपक जाएगा और वो जब किसी दूसरे प्लांट को खाने जाएंगे तो उसका ग्रेन उसके किसी दूसरे फ्लावर के अंदर चला जाएगा और उस फ्लावर के स्टिग्मा पे चला जाएगा राइट या फिर ऐसा हो सकता है कि जिस प्लांट को खा रहे हैं उसी का कोई दूसरे फ्लावर के ऊपर उसका पोलिंग ग्रेन था किसी और फ्लावर के अंदर चला गया तो इट इज पॉसिबल विंड पोलिंग ग्रेन तो बहुत हल्के होते हैं वो इतने हल्के होते हैं कि वो हवा से भी इधर से उधर जा सकते तो जब वो बहुत छोटे हैं और वो बहुत हल्के हैं तो क्या होगा हवा भी उनको एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते वाटर कैसे ले जाएगा तो जब हम वाटरिंग करते हैं ना तब भी उसके अंदर की जो पोलिंग ग्रेन है ना वो भी इस तरफ मूव कर सकते हैं मतलब यहाँ से पोलिंग ग्रेन सपोज गिरा वाटरिंग करते टाइम कोई बूंद उस पर गिरी और वो जो पोलिंग ग्रेन था वो नीचे की तरफ मूव कर गया और वो किसी फ्लावर के ऊपर चला गया राइट ऐसा भी पॉसिबल है बर्ड्स हो सकती है बर्ड्स भी तो प्लांट्स के ऊपर बैठती है तो वो बर्ड्स के थ्रू भी जा सकती है चलिए नाउ एजेंसीज ऑफ पॉलिनेशन में देर आर टू टाइप्स ऑफ एजेंसीज फर्स्ट वन इज बायोटिक एजेंसी वन इज अबायोटिक एजेंसी बायोटिक एजेंसीज नाम से आपको याद रखना है बायो नाम से ही आप बायो का मतलब क्या होता है लिविंग थिंग्स बायो मतलब लिविंग थिंग्स तो बायोटिक एजेंट्स का मतलब है जितनी भी लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी किस में आएगी बायोटिक एजेंसीज में आएगी और फिर जब अबायोटिक है दैट मीन्स नॉन लिविंग थिंग्स बायोटिक का मतलब क्या हुआ जो सारी लिविंग थिंग्स है वो सारी के सारी इसमें आ जाएगी अबायोटिक एजेंसीज का मतलब जो नॉन लिविंग थिंग है अब नॉन लिविंग थिंग कौन सी थी अभी हमने डिस्कस किया बर्ड्स विंड वाटर एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स ये सारी चीजें जो होती है वो एजेंसीज होती है पॉलिनेशन के लिए राइट सो वॉटर इट्स नॉट अ लिविंग थिंग जब ये लिविंग थिंग नहीं है इसका मतलब ये किसमें आएगी ये अबायोटिक एजेंसीज में आएगी चलिए फर्स्ट वन इज एजेंसीज क्या होती है तो फर्स्ट है, uh, है. है? है अब जब बैट अगर ट्रांसफर कर रही है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इसको हम क्या बोलते हैं चिरप्टेरो बोलते हैं वैसे आपको ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा बट स्टिल आपको लर्न करना है कि क्या है जब बैट इनका ट्रांसफर कर रही है पोलिंग ग्रीन का दैट इज कॉल्ड चिरोफिली बर्ड्स अगर इनका ट्रांसफर करती है बर्ड्स अगर पोलेंग्रीन का ट्रांसफर कर रही है दैट इज कॉल्ड ऑर्निथोफिली अगर इंसेक्ट ट्रांसफर कर रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा था इसके अंदर एक छोटा सा इंसेक्ट था वो ट्रांसफर कर रहा था पोलेंग्रेन को अगर इंसेक्ट्स इनको ट्रांसफर कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड एंटोमोफिली और कम टू द अबायोटिक एजेंसीज बायोटिक एजेंसीज आई होप आपको समझ में आया होगा बायोटिक एजेंसीज कैसे वर्क करती है तो जैसे हमारे इंसेक्ट्स काम करते हैं वैसे ही बर्ड्स एंड बैट्स अदर एनिमल्स जो है ना वो भी वर्क करते हैं

so that is called anemophily what is it called it is called anemophily anemophily right so fir se ek baar dekh lijiye biotic agencies mein kaun se hai bats hai agar bats se aapka pollination ho raha hai that is called chiropterophily बर्ड से अगर हो रहा है तो ornithophily इंसेक्ट से अगर हो रहा है तो entomophily और वैसे ही अगर abiotic agencies है water and wind तो अगर water से हो रहा है तो हाइड्रोफिली और अगर wind से हो रहा है तो एनिमोफिली तो right सो आई होप कि आपको ये एजेंसी समझ में आई होगी पॉलिनेशन इट्स इजी एक इस बार इसको फिर से देखिएगा अच्छे से इसको पढ़िएगा पॉलिनेशन आपके एग्जाम में पूछा भी जाता है अगर नहीं भी पूछा दैट इज इज़ इट अ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि फर्टिलाइजेशन में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है अगर ये नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकता तो आपको एजेंसीज भी आई थिंक समझ में आ गई होंगी कि पॉलीनेशन की एजेंसीज कौन कौन सी होती है क्यों रखे हैं हमने एजेंट्स बिकॉज प्लांट अपनी जगह से मूवमेंट नहीं कर सकते दे आर नॉन मोटाइल राइट सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डील अबाउट द फर्टिलाइजेशन इन प्लांट्स प्लांट्स के अंदर जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें फर्टिलाइजेशन कैसे होता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम वही डिस्कस करेंगे थैंक यू सो मच